हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आज है 16 अक्टूबर और जैसा कि करवा चौथ से एक दिन पहले की बात है, तो हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए जा रहे हैं पास ही में लोकल मार्केट में। एक्चुअली किसी को बुलाया था तो उन्होंने फिर मना कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली सीज़न वाला दिन है तो सभी लोग मार्केट में बैठ के अपनी अर्निंग करते हैं, तो घर पर आना पॉसिबल नहीं था। तो हम ही मार्केट गए थे और इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि जैसे हम ऑटो से गए थे ना, तो उन्होंने हमें मार्केट शुरू होने से कुछ दूर पहले ही उतार दिया। बोल रहे थे कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही चले जाइए, ऐसे थोड़ा पैदल चल के चले जाओ। तो अभी हम उसी वाले प्रोसीजर को कर रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। बीच में देखिए स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और दिवाली भी आ रही है, सेल वगैरह के सब अपने अपने निकाल रहे थे ऑफर्स, तो हम लोग कुछ दूर पैदल ही चले थे। और यहाँ मैंने अपने आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी बोलने की, लेकिन जैसे कि माहौल था बहुत भीड़ वाला, तो एक दो जना मुझे अगर देखने लगता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसी हो जाती हूँ, एकदम से कैमरा मतलब एकदम से मैं बोलना बंद कर देती हूँ। तो वही चीज़ हुई थी, मैंने फिर अपनी तरफ से बोला नहीं, मैंने कहा ऐसे ही सीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पीछे से वॉइस ओवर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो हम पैदल चल के जा रहे हैं ना, इसमें एक साइड में ही जो लोग मेहंदी लगाते हैं ना, उनके स्टॉल लगे हुए थे। बहुत सारी फीमेल्स एक लाइन से बैठी हुई थी। और फिर हमने सोचा कि थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, वहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारा नंबर नहीं लगने वाला जल्दी से। और फ्रेंड्स, ये जो इस टाइप की शॉप थी, इस पे से हमने कुछ सामान लिया था, क्योंकि सभी कुछ नहीं था, तो जो चीज़ ली है वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में, ठीक है? तो इस पे जैसे कि जो भी करवा चौथ में पूजने वाली चीज़ें आती, सभी थी इनके पास। और ये जो चीनी वाले जो करवे होते हैं ना, ये हमने नहीं लिए थे। हमारे यहाँ अम्मी जी कह रही थी ये वाला शादी की स्टार्टिंग में चलता है, अभी नहीं, तो ये नहीं लिया था। चले एंड हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम मार्केट में आए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ भी ना खरीदे। तो हैनी के लिए शूज़ लिए थे, जैसे कि विंटर्स आने वाली हैं, तो उसके साइज़ के छोटे छोटे शूज़। और यहाँ मम्मी जी और दीदी अपने फ़ोन के लिए कवर देख रही थी। एक्चुअली मम्मी जी को लेना था, तो दीदी भी देखने लगी थी। और जैसे कि हम फीमेल्स की फेवरेट चीज़ होती है गोलगप्पे, तो फिर हमने यहाँ पर खड़े होकर गोलगप्पे खाए थे। दीदी यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए मना कर रही थी, कह रही थी कि कैसा फेस आएगा। फिर मैंने कहा गोलगप्पे खाते हुए तो सभी के ऐसे ही आते हैं, तो फिर मैंने कर लिया था रिकॉर्ड। एंड हाँ, अभी तक हमने नहीं लगवाई थी मेहंदी, क्योंकि पीछे से देखते आ रहे थे, उन पे सब पे ही भीड़ लगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था वेट करने में ही बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो आगे तक ये जैसे मार्केट थोड़ी सी और बची हुई है, तो हमने सोचा आगे और देख लेते हैं। तो आगे हमें ऐसे दो ये सिस्टर्स थी, ये बैठी हुई मिल गई थी, जिनके पास सिर्फ एक दो कस्टमर्स थे, तो हमने यहीं पर रुक कर लगवाई थी। इनको बोला था जो अरेबिक जो डिज़ाइन होता है वो लगाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेहंदी मैंने और दीदी ने ही लगवाई थी, मम्मी जी ने नहीं लगवाई थी। मम्मी जी कह रही थी जो सर्कल वाली मेहंदी होती है ना, जो हाथ पे गोला सा रख लेते हैं, तो वो वाली मेहंदी मम्मी जी कह रही थी कि मुझे तो वही अच्छी लगती है, मुझे ये आजकल की तुम्हारी डिज़ाइन नहीं पसंद, तो उन्होंने नहीं लगवाई थी। जब मम्मी जी कह रही थी घर पहुँचेंगे मेरे हाथ में तो वो लगा देना, तो फिर यहाँ पर मैं और दीदी ही लगवा रहे हैं मेहंदी। मार्केट से आ चुके हैं जैसा आपने देखा, और अभी 7:30 के करीब बज रहे हैं। हम स्पेशली मेहंदी लगवाने के लिए गए थे, बाकी तो कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी। और आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए मेहंदी मैंने हटा दी है, ये अरेबियन लगवाई थी, पर स्टार्ट कैसे हो रही है, यहाँ से होनी थी ना, स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। देखिए जो भी था ये हटा इसलिए दी है क्योंकि हमने उनसे पूछ लिया था कि कितनी देर बाद हटा सकते हैं, तो उन्होंने बोला था कि केमिकल वाली होती है, तो आप 1 घंटे बाद इसको हटा दोगे, बस जो सरसों का तेल होता है उसको अप्लाई कर लेना। तो कह रहे थे कि इसका कलर आ जाएगा क्योंकि केमिकल वाली है, तो हमने हटा लिया। फिर अभी जैसे 7:30 बज रहे हैं, 8 बजे के करीब से सबका खाना वाना बनेगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा खाने में, सुबह बनी थी कढ़ी और भिंडी, तो भिंडी तो खत्म हो गई, लेकिन जो कड़ी है इकट्ठा ही बनी हुई थी काफ़ी, तो शाम का काम चल जाएगा, तो हम उसी से काम चलाने वाले हैं। अभी इतना कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटियां सीखेंगी, तो इतना ज़्यादा कुछ खाने का काम नहीं है। आज जैसे हम मार्केट गए थे, छोटी मोटी चीज़ ली थी, बहुत कुछ तो नहीं लिया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ़ोन का कवर है, दीदी के फ़ोन का कवर है, उनको अच्छा लग रहा था, सिया की वजह से लिया, क्योंकि सिया कहती है उनके फ़ोन का कलर
उनके जो फ़ोन का कवर है वो है ब्लैक कलर में, सिया को पिंक कलर चाहिए था, कहते कि सिया की वजह से ले लें, वो बहुत कहते मम्मी पिंक कलर का लिया करो, इस वजह से लिया है ये। और उसके बाद मुझे उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये हमने दो ईयरिंग्स लिए हैं, अच्छे लग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कि कल पहनने हैं, अच्छे लग रहे थे बस। सबसे पहले जो मैं दिखाती हूँ जो बहुत ज़्यादा पसंद आए वो हैं ये, किसे लिखा दिख रहे हैं, मुझे ये वाले इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इनफैक्ट मैंने इसमें कलर्स भी पूछे थे, लेकिन ये एक लास्ट पीस बचा हुआ था, अच्छा लग रहा था मुझे, सबसे अच्छा ये लगा था वहाँ पे। और फिर जो दूसरे लिए हैं वो इस टाइप के हैं, ये वाले ऐसे हैं कि आप इनको किसी पे भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं इसमें कोई कलर स्पेसिफिक, तो अच्छे थे। ये जो दोनों ही ईयरिंग्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली क्या है, ये ईयरिंग्स हम मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हैं दीदी के हैं, हम आपस में शेयर करके पहन लेते हैं, तो हम देख लेंगे जिसके सूट पे साड़ी पे जो भी मैच करेगा हम पहन लेते हैं ऐसे। तो ये था। और फिर हमने लिए थे दिए, अभी मेरे पास कुछ ही सामान है, सारा नहीं है एक्चुअली, मम्मी जी भी कुछ कुछ देख रही थी, हमने दिया लिया था, ये दिया आते 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 टूट गया, ये कलरफुल था, इसका तो कुछ नहीं होगा, यही टूटा था, यही सबसे अच्छा लग रहा था, यही टूटा, और जो बाकी सिंपल थे ना वो एज इट इज़ थे, चलो पर कोई बात नहीं। इसके बाद ये इसके बाद ली थी कल के लिए छलनी, एक्चुअली क्या है जो स्टील के बर्तन रखे हुए थे उनमें प्लेट लोटा वगैरह सब था, लेकिन ये जो छलनी थी ये पिछली बार की टूट गई थी तो दूसरी लानी थी, मैंने सिंपल ले लिया, जो ऑलरेडी डेकोरेट हो रखी थी मैंने वही ले ली थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे भी जाकर डेकोरेट ही करना है, और जो बाकी के जो प्लेट है लोटा है उसको डेकोरेट मैं खुद करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये वाली लेस ली थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी, सिंपल ही करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी तो इसी से मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की शॉपिंग, यही हम ब्लॉग का एंड करते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, मुझे आपसे कुछ पूछना भी था, जैसे ये जो चैनल है मेरी सहेली, इस पे मेरी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी आती हैं और ब्लॉग्स भी आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं तो उनके बेसिस पे मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस किया जाए, आप ही इसका सही जवाब देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे जो ब्लॉग्स के लिए चैनल अलग से बनाना चाहिए या फिर इसी चैनल पर ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ इस चीज़ में। एक बार पहले भी मेरे दिमाग में आया था इस चीज़ के बारे में, फिर वो चीज़ मैंने, चलो मैंने कहा नहीं यार, दो दो चैनल ऑब्वियसली मुझसे हैंडल नहीं होंगे, मैंने कहा एक ही कर लेते हैं, लेकिन अब फिर से मतलब जब मैं हेल्थ की वीडियोस डालती हूँ ना, जब इतने कमेंट्स नहीं आते, जब मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ उस पर ज़रूर आते हैं कि आप ब्लॉग्स डालने लगी हैं इस चैनल पर, हेल्थ की वीडियोज़ नहीं है, तो मतलब क्या करूँ मैं, मतलब ब्लॉग्स के लिए अलग से चैनल स्टार्ट करें या फिर इसी पे दोनों को आपको ठीक लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो जिस तरफ वोट्स ज़्यादा रहेंगे मैं उसको फॉलो करूँगी, अगर आप लोग कहते हैं कि इस चैनल पे दोनों चीज़ें ठीक हैं तो मैं इसी पे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ब्लॉग्स के लिए अलग से सेपरेट होना चाहिए तो फिर वोट्स के अकॉर्डिंग मैं उसको डिसाइड करूँगी, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस यही ब्लॉग का हम एंड करते हैं, पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।